आई स्वेयर मॉम, मुझे समय बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं बस जीतने ही वाली हूँ। मलिष्का, लेकिन नीलम ने ऐसा किया क्या है? मुझे तो कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा। कुछ ऐसा नहीं है जो सामने दिख रहा हो। दिखेगा मॉम, बहुत जल्दी दिखेगा और सब कुछ सामने ही दिखेगा, क्योंकि इस समय नीलम मॉम सिर्फ एक दादी नहीं बल्कि एक चोट खाई हुई औरत भी। उनकी ईगो पे चोट लगी, उनकी इज्जत पर उंगली उठाई गई है, उनके वजूद पर सवाल खड़े किए हैं। और ये सब किसने किया? लक्ष्मी ने। लक्ष्मी को कुछ भी करना चाहिए था, कुछ भी करती वो, बस नीलम मॉम को चैलेंज नहीं करती। अब कर दिया है तो भुगते। पर आपको पता है, जिस समय मैंने दादी को फोन पे बात करते हुए सुना था ना, उन्होंने कहा था कि नीलम मॉम लॉयर से बात कर रही है, तो बस मुझे पता चल गया था कि मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ देखना है। मॉम, मॉम कुछ बोलिए ना। मलिष्का, मैं बोलूंगी ना तो तुम फिर से गुस्सा करोगी, नाराज हो जाओगी मुझसे हमेशा की तरह। अच्छा ठीक है, आई प्रॉमिस मैं गुस्सा नहीं करूंगी। अच्छा अब आप बोलिए। मलिष्का, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम पारो की माँ बन पाओगी? ये जानते हुए भी कि ऋषि और लक्ष्मी की बेटी है पारो, दे पाओगी उसको माँ का प्यार? एक एक करके कदम बढ़ाएंगे मॉम, एक बार उसे घर तो आने दीजिए, एक बार पारो घर आ जाए और उसके बाद लक्ष्मी यहाँ से चली जाए हमेशा हमेशा के लिए, फिर देखते हैं क्या करना है। और क्या फर्क पड़ता है अगर पारो यहाँ रहेगी भी तो? है लेगी किसी कोने में, बाकी के सर्वेंट्स भी तो यही रहते हैं, सो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात है, मैं पारो को उसकी माँ का प्यार कभी नहीं दे सकती, क्योंकि मेरा बेटा सिर्फ रोहन है और कोई नहीं। प्लीज मेरी बात पे विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया लक्ष्मी, कुछ भी नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है मैं जानता नहीं हूँ कि तुम कैसी माँ? तुम बेस्ट हो, सबसे बेस्ट माँ हो तुम, मेरा दिल जानता है। प्लीज मेरी बात पे भरोसा करो, विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कोई कंप्लेंट नहीं, कुछ भी नहीं किया मैंने, सच में लक्ष्मी मैंने नहीं किया। मुझे भरोसा नहीं है तुम, क्योंकि तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, तुम कहते कुछ और तुम करते कुछ और। बस लक्ष्मी, क्यों कह रही हो ये सब? प्लीज मत कहो ये सारी बातें, हजार बार मना किया ना, दिल को छुपने वाली बातें मत किया करो मुझसे, प्लीज विश्वास करो मेरी बात, प्लीज भरोसा करो इस बार। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया लक्ष्मी, ट्रस्ट मी, मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की है। तुम्हारा नाम है कंप्लेंट पर। है, मैं मानता हूँ मेरा नाम है कंप्लेंट पर, लेकिन मुझे खुद ही नहीं पता कि वो कंप्लेंट पर मेरा नाम कैसे है, क्यों है। 100 में से 110 बार भी कहोगी ना कि मैंने ये किया, मैं हर बार यही जवाब दूंगा कि मैंने नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बात पे भरोसा करके तो देखो, विश्वास करो एक बार। मुझे नहीं पता उस कंप्लेंट पे मेरा नाम कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, सच में कुछ नहीं किया इस बार, प्लीज। लक्ष्मी, अगर मैंने कभी भी कुछ भी तुम्हारे लिए अच्छा किया है ना, बस वो सोच के तुम ये मान लो कि मैंने ये सब नहीं किया, और विश्वास करो मेरी बात पे। उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आओ जरा। इंस्पेक्टर सर, प्लीज आप लक्ष्मी को छोड़ दीजिए ना, प्लीज। देखिए हम इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। अरे लेकिन क्यों नहीं छोड़ सकते? कहा ना नहीं छोड़। अच्छा वो जो कंप्लेंट है, कंप्लेंट में मेरा नाम है ना, कि मैंने कंप्लेंट की है कि लक्ष्मी ने अपने बच्चे को मारने की कोशिश की, पारो को मारने की कोशिश की, अब मैं ही अपनी कंप्लेंट वापस ले रहा हूँ, अब तो छोड़ सकते हैं आप उसे? नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कंप्लेंट करने वाले मेन पर्सन आप नहीं है, आपका सिर्फ नाम लिया गया है, कंप्लेंट करने वाला कोई और है, आप सेकेंडरी हैं। अब यही बात बताने के लिए मैं आप लोगों को बताने वाला था, लेकिन उससे पहले ही आप लोग आपस में बात करने लगे और झगड़ने लगे। तो कौन है, कौन है मेन कंप्लेंट करने वाला, किसने की है कंप्लेंट? हाँ, किसने की है? हम, नीलम ओबेरॉय।